नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भगवंत नरोगी का यूट्यूब चैनल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी के चचेरे भाई की पत्नी यानी चाची जी का देहावसान हो जाने के कारण मैं कुछ दिनों तक बिजी रहूँगा या वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। तो और वो काफ़ी दिनों से बीमार थी और वे लोग परिवार के घर पर इलाज कराते रहे। स्थिति गंभीर होने पर जहाँ मैं कार्यरत हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देर चू लेके आए थे, वहाँ पर आवश्यक जाँचें हो जाने के कारण डॉक्टर साहब ने उनको जोधपुर ले जाने का सुझाव दिया था, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा आप यहीं इलाज कीजिए, तो डॉक्टर साहब ने भरोसा करके उनका वहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 4 दिन तक अस्पताल रहने के बाद होली के दिन परिजनों ने कहा कि हम तो इनको घर लेके जाएंगे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको या तो जोधपुर ले जाइए या यहीं रहने दीजिए, ताकि होली के त्यौहार पर कोई अनहोनी ना हो, जिसके कारण है वो परिजन रिश्तेदार वो गांव के लोग परेशान हो। लेकिन उन्होंने हट किया और वे ले जाने पर अड़े रहे, और इस कारण डॉक्टर साहब ने जाने दिया और उनको साथ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दे दिया था। लेकिन अस्पताल से हॉस्पिटल से घर जाने का रास्ता लगभग 1 घंटे का था, तब तो वो बिना ऑक्सीजन के रही, और घर जाने के बाद ऑक्सीजन लगा दिया गया था, लेकिन 4 घंटे बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि अस्पताल में हमारा कोई रिश्तेदार भर्ती हो या उनकी स्थिति गंभीर हो और आसपास कोई पर्व हो या रिश्तेदार या हमारे पड़ोस पड़ोस में घर में कोई आयोजन हो रहा, तो ऐसी स्थिति में उनको हॉस्पिटल में ले रखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार अनहोनी न हो और आवश्यक दवाइयाँ और ऑक्सीजन वगैरह की आपूर्ति लगातार बनी रहे। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरे सभी मित्रों और भी जान पहचान वालों से यही अपील है कि हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जब ये किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए तो हमें तत्काल मृत्यु के समाचार या को फेसबुक या व्हाट्सएप पर नहीं डालना चाहिए, ताकि हमारे निकट के रिश्तेदार या मित्र परेशान ना हो या उनके कोई आवश्यक कार्य हो तो वो भी प्रभावित न हो। ऐसे ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति, भारत के प्रथम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहन का सभी जनों की पूर्व संध्या पर देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को छुपाया और दूसरे दिन सभी जनों का समारोह मनाने ध्वजारोहण करने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया था और किसी को नहीं बताया था। ऐसे ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत की घोषणा 16 अगस्त 2021 को की गई थी, लेकिन सुनाई में ऐसा आता है कि 15 अगस्त 2021 को उनका देहांत हो गया था, लेकिन 15 अगस्त 2021 की मध्य रात्रि बाद ही उनके निधन की पुष्टि की गई थी। ऐसे ही हमें इस प्रकार की झूठी बातों नहीं फैलानी चाहिए, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आज से लगभग 2 साल पहले मौत होने की खबरें फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर उड़ा दी गई थी, लेकिन वो भी झूठी खबरें थी और गलत साबित हुई। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार की झूठी बातों पर तत्काल विश्वास नहीं करना चाहिए और नहीं फैलानी चाहिए। ऐसे अभी आजकल तमिलनाडु में उत्तर भारत के राज्यों के लोगों पर हो रहे हमलों की भी खबरें प्रसारित की गई थी, लेकिन वो वीडियो पूर्व के थे और इन वीडियो के कारण उत्तर भारत के जो लोग हैं उनमें दहशत पैदा हो गई थी, क्योंकि उनकी बहुत से जानकार और मित्र वहाँ रहते हैं। तो हमें इस प्रकार की बात नहीं फैलानी चाहिए, जिससे कि अफवाहें फैलें और किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए या माहौल ख़राब हो। तो वीडियो में इतना ही, और वीडियो के अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हो तो वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब
चैनल कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।